गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होती है 80 शब्द प्रति मिनट और यह लिया जाता है दैनिक जागरण संपादकीय से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह डिक्टेशन जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। लेकिन उसके पहले हम बता देते हैं कि कहाँ आपको टाइप करना है। यहाँ है ये वाला डिक्टेशन है प्रयागराज में पुलिस की उपस्थिति और टीवी कैमरों। ओके, अब इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कैसे आप टाइप करेंगे। जस्ट आपको हैप्पी स्टैंड ऑफिस जाना है, जो कि हमारी दूसरी वेबसाइट है और केवल फिलहाल के लिए यूट्यूब के लिए रिजर्व की गई है, क्योंकि हमारी ये दोनों वेबसाइट हैप्पी स्टैंड एंड सरल स्टैंड। सरल स्टैंड पे पेड बैचेस जो चलते हैं, डेली 5 टाइप के डिक्टेशन दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं। एंड इस पे यूट्यूब के डिक्टेशन भी आप टाइप कर सकते हैं। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं हैप्पी स्टैनो। एंड आपको जाना है स्टैनो टेस्ट में। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप हमें मैसेज करके ले सकते हैं, क्योंकि जो मेंबर हैं उनको सरल स्टैनो वाला आईडी दी जाती है। और ये भी करना हो तो आप ये ले सकते हैं, इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है। स्टैनो टेस्ट पे जाएं, लैंग्वेज सिलेक्ट करिए मंगल, टॉपिक में न्यूज़, एंड एक ही डिक्टेशन आपको दिखेगा क्योंकि यही अपलोड की जा रही है। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करना है। लेकिन हम बता दें, अगर आप मेंबर नहीं हैं, बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, और अगर नहीं बनना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिक्टेशन फ्री हैं, इसे लिखें और पीडीएफ से मैच करें। पीडीएफ एंड आउटलाइंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए प्रोवाइड की जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और अगर आपको ना मिले तो फिर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे प्ले नहीं करना है आपको, यहाँ आपको देख रहा होगा बटन प्ले का, क्योंकि ये यूट्यूब की डिक्टेशन है, इसलिए आपको यहाँ प्ले नहीं करना है। ओके पर क्लिक करें, लैंग्वेज सेलेक्ट करें। टाइमर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप लैंग्वेज पहले ही सिलेक्ट करके रखे रहें। अल्ट से प्रेस करेंगे एंड गेल में मुझे टाइप करना है, तो इंडिक इनपुट 3 सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, आपका टाइमर शुरू हो जाता है। अगर आप उसके पहले टाइप कर लेते हैं तो इंड टेस्ट यहाँ पर दिख रहा है, इंड टेस्ट पर क्लिक करें और अपना रिजल्ट देखें। और अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, टाइपिंग स्पीड स्लो है या फिर मैच करने में बिजी हो जाते हैं, तो ऑटो सबमिट हो जाएगा और आपका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। तो चलिए कुछ टाइप करके देख लेते हैं। प्रयागराज में पुलिस की उपस्थिति और टीवी कैमरों के सामने माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पुलिस की कार्य प्रणाली और उसकी चौकसी को लेकर एक नहीं अनेक सवाल खड़े करने वाली है। बैकस्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दो बार टाइप करके आपको बता रही हूँ कि रिजल्ट में ऐसी गलतियाँ आप करते हैं तो आपको कैसे शो होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब यूज़र रिजल्ट में आप जैसे ही देखेंगे वहाँ पे आपको शो होगा, और ये जो आपने पूरा टाइप किया वही सब होता है, क्योंकि मैंने इतना ही टाइप किया इसलिए यहाँ पे इतना ही दिख रहा है, और ये आपका रिजल्ट प्लस आपने जो टाइप किया है वो सभी शो होता है। तो प्रयागराज में, प्रयागराज मैंने गलत लिख दिया है, और में को हमने जे लिख दिया है, एंड पुलिस की उपस्थिति और टीवी कैमरों के सामने माफिया सरगना अतीक की जगह मैंने कुछ और ही लिख दिया है, तो वो गलत है, क्योंकि ग्रीन कलर में जो मैंने टाइप किया वो सो रहा है, एंड पिंक में आपको ये सो रहा है कि यहाँ पे सही वर्ड क्या है। अहमद और उसके भाई भी गलत लिख दिया था मैंने, अशरफ की जगह ऊखी मात्रा लगा दी है, क्योंकि अगर आप टाइप करते हैं ना तो थोड़ा स्पेस नहीं देते हैं, यानी टाइम नहीं देते हैं, तो रॉ ऑटोमेटिक आपका ऊ में बदल जाता है गेल में। कि हत्या में आपको सही और गलत इसलिए दिख रहा है क्योंकि हाफ कैरेक्टर है, एंड मैंने आपको उसमें लिखा है गेल में। पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी चौकसी को लेकर एक, लेकर की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक की जगह ए लिखा है, इसलिए यहाँ पे ऐसे सो रहा है, नहीं ये सही है। अनेक सवाल खड़े मैंने पूरा नहीं लिखा था, तो यहाँ पे सो रहा है करने वाली है को मैंने दो बार लिखा था है, तो एक है यहाँ पे सही है एंड दूसरा गलत है। ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एक यहाँ पे है और दूसरा है यहाँ पे मैच हो रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम डिक्टेशन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और भी डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें मैसेज करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके।
या फिर जो पीडीएफ दी जाती है उस पर भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एडमिन सांचल जी, ये स्टार शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन, स्टैंड हेल्पलाइन, हैप्पी स्टैंड, सबकी लिंक दी गई है। और ज्वाइन करने के लिए SMS हियर टू ज्वाइन, यहाँ पे आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम डिक्टेशन की तरफ, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रयागराज में पुलिस की उपस्थिति और टीवी कैमरों के सामने माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी चौकसी को लेकर एक नहीं अनेक सवाल खड़े करने वाली है। समझना कठिन है कि इतने खतरनाक और खूंखार अपराधी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाते समय मीडिया के समक्ष पेश करने की क्या आवश्यकता थी, और वह भी रात के वक्त। पुलिस को इसका भान होना चाहिए था कि अतीक अशरफ के दुश्मन या फिर उससे प्रताड़ित लोग उसे निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा ही हुआ। पत्रकार बनकर पहुँचे 3 अपराधियों ने अतीक और उसके भाई को गोलियों से भून दिया और कोई कुछ नहीं कर सका। पैरा। कहना कठिन है कि अतीक और उसके भाई को मारने वालों की उनसे क्या दुश्मनी थी, अथवा उन्होंने किसके कहने पर उन्हें मारा। लेकिन आवश्यक केवल यह नहीं कि पुलिस इस हत्या के कारणों की तह तक जाए, बल्कि यह भी है कि अपराधियों की मीडिया के समक्ष नुमाइश करना बंद करे। वास्तव में यह काम देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी थाना कचहरी में अपराधियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसे तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा मिलनी चाहिए। कानून के शासन की रक्षा और प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। पैरा। अतीक और अशरफ की सनसनीखेज तरीके से हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस स्वाभाविक ही सबके निशाने पर है। निसंदेह इस घटना ने राज्य पुलिस के साथ सरकार को असहज करने का काम किया है, लेकिन ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का भी कोई मतलब नहीं कि पुलिस वही चाहती थी जो हुआ। आज भले ही पुलिस की चूक के कारण उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी सक्रियता और प्रतिबद्धता के कारण ही अतीक को हाल में पहली बार सजा सुनाई जा सकी। पैरा। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद कानून के शासन की बात करने वाले इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि 4 दशक से भी अधिक समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अतीक और उसके साथियों के समक्ष कानून के हाथ निष्क्रिय बने हुए थे। कानून के
शासन की चिंता करने वाले नेताओं को यह बताना चाहिए कि ऐसा क्यों था। अतीक और अशरफ आतंक के पर्याय बन गए थे तो इसी कारण, क्योंकि उन्हें बेहद निर्लज्जता के साथ हर तरह का राजनीतिक संरक्षण दिया गया। राजनीति अपराधियों को किस तरह संरक्षण देकर उन्हें सभ्य समाज के साथ विधि के शासन के लिए खतरा बनाती है, अतीक इसका उदाहरण था। यह हास्यास्पद है कि आज वे राजनीतिक दल भी कानून के शासन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अतीक के काले कारनामों से परिचित होते हुए भी उसे संरक्षण दिया। डिक्टेशन समाप्त हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।